पिंपरी के राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक अन्ना बनसोड़े फायरिंग प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने विधायक बनसोड़े पुत्र सिद्धार्थ बनसोड़े और उनके साथियों पर हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया है। अन्ना बनसोड़े पर गोलीबारी की फर्जी स्क्रिप्ट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रकरण का कनेक्शन पालिका में कचरे का ठेका लेने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 12 मई को गोलीबारी के एक दिन पहले विधायक पुत्र सिद्धार्थ बनसोड़े अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ एक ठेकेदार के कार्यालय में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और प्राण घातक हमला किया। 12 मई को गोलीबारी से पहले सिद्धार्थ बनसोड़े अपने साथियों की मदद से ठेकेदार के सुपरवाइजर का अपहरण किया और कालभोर नगर में लाकर जान से मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए सुपरवाइजर ने हवा में फायरिंग की, जबकि विधायक बनसोड़े ने कहा था कि उसके ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने दोनों गुट के विरुद्ध हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की पारदर्शी भूमिका, पिंपरी चिंचोड़ शहर पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश के मार्गदर्शन में इस प्रकरण में सटीक और सही जाँच पड़ताल हो रही है। जाँच पूर्ण रूप से पारदर्शिता और बिना किसी दबाव के आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पिंपरी चिंचोड़, पुणे।